ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। कल की कथा में हमने चर्चा की थी बलि महाराज जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे उस समय में भगवान वामन देव जिन्होंने वामन का अवतार लिया था एक ब्रह्मचारी के रूप में जहाँ पर वो यज्ञ कर रहे थे वहाँ पर वामन देव पहुँच गए। बलि महाराज ने उनका स्वागत किया और बाद में बलि महाराज ने ब्रह्मचारी के रूप में वामन देव से कहा कि तुम्हारी जो इच्छा है तुम मुझसे मांग सकते हो। और उस समय में वामन देव ने बलि महाराज और बलि महाराज के कुल को जो है उनकी प्रशंसा की और बताया कि उनके कुल के अंदर में प्रहलाद महाराज जैसे श्रेष्ठ भक्तों ने जन्म लिया है जो चंद्रमा की भांति है इसलिए उनका कुल अत्यंत श्रेष्ठ है। और उन्होंने ये भी कहा कि तुम्हारे कुल में जितने भी राजा हुए उन्होंने उनसे जो भी दान मांगा गया उन्होंने उस दान के लिए कभी मना नहीं किया। तो इस प्रकार से वामन देव ने बलि महाराज की प्रशंसा की। अब बलि महाराज ने कहा था कि आप मुझसे कुछ भी मांग लो, अगर तुम्हें एक स्त्री की जरूरत है, आगे जाकर के तुम विवाह करना चाहते हो, मैं तुम्हें स्त्री भी ब्राह्मण कुल की एक लड़की भी प्रदान कर सकता हूँ, तुम्हें बड़ा घर चाहिए तो बड़ा घर प्रदान कर सकता हूँ, सोना चाहिए तो सोना प्रदान कर सकता हूँ, एक गांव पूरा जो है पूर्ण रूप से जो है सुसज्जित ग्राम गांव चाहिए तो वो भी प्रदान कर सकता हूँ। तो अब जो है वामन देव कहते हैं कि हे बलि, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कुछ भी देने के लिए तैयार हो, लेकिन मैं तुमसे केवल 3 पग भूमि मात्र चाहता हूँ, और वो भी उतनी भूमि उतनी जमीन चाहता हूँ जो मेरे छोटे पाँव के 1 पग के अंदर में आ जाए। मान लो मैं 1 स्टेप लेता हूँ उसे 1 पग कहा जाता है, और वो तो एक ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हुए थे तो 3 पग भूमि कितनी हो सकती है। तो वामन के रूप में उन्होंने केवल 3 पग भूमि मात्र जो है उनसे मांगी। आगे जो बहुत महत्वपूर्ण निर्देश जो वामन देव देने वाले हैं वो हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन चलाने के लिए। इस भौतिक संसार के अंदर में हम अपने जीवन को किस प्रकार से चलाते हैं ये बड़ी ही महत्वपूर्ण भगवान की सीख है, भगवान के निर्देश हैं। वो बलि महाराज से कहते हैं कोई भी व्यक्ति और खासकर ब्राह्मण या सन्यासी अगर जरूरत से ज्यादा अपनी जरूरत से ज्यादा अगर वो भिक्षा ग्रहण करता है दान ग्रहण करता है तो वो पाप का भागी बनता है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। ये आज कौन सी यूनिवर्सिटी में ये पाठ पढ़ाए जाते हैं, कौन से विद्यालयों में ये पाठ पढ़ाए जाते हैं? आज जो है जो मॉडर्न एजुकेशन है जो आज की जो लोग जो ज्ञान प्रदान करते हैं जो विश्वविद्यालय हैं
अनेकों प्रकार के इंस्टीट्यूशन हैं, सब जगह में केवल यही सिखाया जाता है कैसे और अत्यधिक हम लोग संपत्ति प्राप्त करें। आज हम देखते हैं लोगों के पास में जरूरत से ज्यादा संपत्ति है। ऐसे लोग हैं जिनके पास में करोड़ों करोड़ों रुपए की संपत्ति है, और ऐसे लोग भी हम लोग देखते हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस प्रकार की सीख जो है आज के युग में दी जाती है कि हमें जो है जितना अधिक से अधिक प्राप्त करने की जो है उसके लिए प्रयास करना चाहिए। लेकिन देखिए, भगवान वामन देव के रूप में बलि महाराज को कितनी बढ़िया शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि खासकर ब्राह्मण को, और ये सबके लिए लागू है, हमको जितनी जरूरत है उससे ज्यादा संपत्ति जो है अर्जित नहीं करनी चाहिए। ये ईशो उपनिषद में भी इसके बारे में निर्देश दिया गया है। ईशा वास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मा ग्रद कस्य स्विद धनम। देखिए कितना बड़ा, बहुत सुंदर इंस्ट्रक्शन दी गई है जो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर में अपना सकता है। उसमें क्या बताया गया है, ईशा वास्यम इदम सर्वम, इस संसार के अंदर में जो भी हम देखते हैं वो सब भगवान की प्रॉपर्टी है। देखिए, जन्म से पहले हमने जहाँ पर जन्म लिया, हम कहते हैं ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। जन्म से पहले क्या हमारी थी? मृत्यु के बाद में क्या हमारी रहेगी? तो सब कुछ, इतने सारे राजा आए, बड़े बड़े जो है हमने देखा कि ब्रिटिश एम्पायर था, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े साम्राज्य आए, उन्होंने बड़ी बड़ी दौलतें बनाई, लेकिन सब कहाँ हैं? तो ये हमें समझना है कि सब कुछ भगवान का है। ईशा वास्यम इदम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत, जो भी जगत के अंदर में हम देखते हैं सब भगवान का है, उनकी प्रॉपर्टी है। और जिस प्रकार से एक पिताजी हैं और पिता के जो पुत्र हैं उनका सबका अपने पिता की संपत्ति के ऊपर अधिकार होता है, जितनी उनको जरूरत है, इसी प्रकार से सभी जीवों को इस भौतिक संसार के अंदर में भगवान की जो ये संपत्ति है उनका सबका अधिकार है। लेकिन भगवान क्या बताते हैं, देखो ईशोपनिषद में, तेन त्यक्तेन भुंजिता, जितनी हमें जरूरत है उतनी मात्र उसका हमें प्रयोग करना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तेन त्यक्तेन भुंजिता माग्रद, मा मतलब नहीं करना चाहिए, कस्य स्विद धनम, जरूरत से ज्यादा संपत्ति धन अर्जित जो है हमें नहीं करना चाहिए। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जो है इंस्ट्रक्शन बलि महाराज को देते हैं। इनडायरेक्टली अप्रत्यक्ष रूप से वामन देव कह रहे हैं, बलि जो तुमने कार्य किया है वो सही नहीं है। तुम राजा जरूर हो, लेकिन राजा बनने का मतलब ये नहीं है कि तुम इधर का राज्य छीन लो, उनका राज्य छीन लो। तुमने तीनों लोकों के ऊपर विजय पाली है, तुमने स्वर्ग के राजा इंद्र को हरा करके स्वर्ग का शासन भी तुमने जो है अर्जित कर लिया है, तो तुम्हारे पास में जो संपत्ति है जरूरत से ज्यादा है। इनडायरेक्टली भगवान जो है उनको ये बता रहे हैं। तो जब इस प्रकार से वामन देव ने ये सलाह बताई और उन्होंने कहा कि इसलिए मैंने केवल तुमसे 3 पग की भूमि मांगी है, मैं ब्रह्मचारी हूं, मुझे उससे ज्यादा जमीन की क्या जरूरत है,
तो जब इस प्रकार से उन्होंने कहा तो बलि महाराज जो है बड़े संतुष्ट हुए और उन्होंने वामन देव से कहा कि तुमने अत्यंत श्रेष्ठ वचन कहे हैं। तुम देखने में एक छोटे ब्रह्मचारी जैसे हो लेकिन तुम बड़े व्यस्क हो, कहते हैं ना कि बड़े मैच्योर हो। जो तुमने बातें कही हैं वो अत्यंत व्यस्क जो व्यक्ति होता है, जो ब्राह्मण होता है, उस प्रकार की जो है तुमने बातें कही हैं। तो वो आगे बताते हैं कि लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें अपने स्वार्थ का ज्ञान नहीं है। स्वयं के लिए तुम दूसरों के बारे में जरूर सोच रहे हो लेकिन तुम्हें अपने भलाई के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है। अरे मैं तो तीनों लोकों का मालिक हूं, मेरे पास में तीनों लोक हैं, तो मैं तुम्हें एक पूरा द्वीप प्रदान कर सकता हूं। तो एक द्वीप मैं तुम्हें पूरा प्रदान कर सकता हूं और तुम मुझसे केवल एक तीन पग की भूमि मात्र मांग रहे हो। लगता है तुम इतने बुद्धिमान नहीं हो, अपने स्वार्थ के बारे में तुम्हें ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो जब इस प्रकार से कहा तो आचार्य बताते हैं कि एक प्रकार से बलि महाराज ने वामन देव के बारे में ये सही कहा, क्योंकि भगवान के लिए अपना स्वार्थ कुछ नहीं है। भगवान हरेक जीव के बारे में सोचते हैं, उनके कल्याण के बारे में सोचते हैं, अपने भक्तों के कल्याण के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए भगवान का अपना स्वार्थ कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो उनका ही है। भगवान को बलि महाराज से मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अभी देखिए प्रभुपाद जी एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। एक पिता जो है वो अपने पुत्र को एक दुकान से बिस्किट का पैकेट खरीद करके लाता है या चॉकलेट खरीद के लाता है। बेटा जो है वो बिस्किट का पैकेट लेता है और प्रेम से जो है उस बिस्किट के पैकेट में से एक बिस्किट अपने पिताजी को प्रदान करता है। अब देखिए ये तो पिताजी ने ही बिस्किट दिलाया है, पिताजी ने ही उसको चॉकलेट दिलाई है, तो पिताजी उस चॉकलेट के भूखे नहीं है, उनकी ही है, उनके द्वारा ही दिया गया है। लेकिन जब बच्चा प्रेम से पिताजी को वो चॉकलेट या बिस्किट देता है तो पिताजी उसको ग्रहण करते हैं प्रेम के द्वारा। इसी प्रकार से सब कुछ भगवान का है, तो भगवान को कुछ अर्जित करने की जरूरत नहीं है, भगवान को कुछ मांगने की भी जरूरत नहीं है बलि महाराज से। तो ये तो बलि महाराज के उद्धार की बात है कि भगवान उनसे कुछ मांग रहे हैं, ये हमें जो है समझना है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और आगे जो भगवान बड़ी सुंदर इंस्ट्रक्शन देते हैं वो भी हमारे जीवन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं, एक ब्रह्मचारी के रूप में कहते हैं, हे बलि तुम देने के लिए सब कुछ तैयार हो और तुम कह रहे हो कि तुमने तीन पग भूमि मात्र मांगी है और तुम बुद्धिमान नहीं हो, तुम मुझसे पूरा द्वीप मांग सकते थे। लेकिन मैं कहता हूं बलि कि अगर व्यक्ति तीन पग भूमि के द्वारा संतुष्ट नहीं है तो वो व्यक्ति तीन लोकों के दान के द्वारा भी संतुष्ट नहीं हो सकता है। वो व्यक्ति जिसकी इंद्रियां उसके काबू में नहीं है, जिसकी सेंसेस, जिसकी इंद्रियां उसके कंट्रोल में नहीं है, वो व्यक्ति आप उसको कुछ भी प्रदान कर दो, कितनी भी अमानत हम उसे प्रदान क्यों ना कर दें, वो व्यक्ति फिर भी डिससैटिस्फाइड रहेगा, क्योंकि मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। इस प्रकार से उस व्यक्ति जिसकी इंद्रियां बेकाबू हैं, तो ये आज हम लोग इस भौतिक संसार में देख सकते हैं कि लोग जो हैं इस भौतिक संसार के अंदर में
उनकी इंद्रियां उनके कंट्रोल में नहीं है, बेकाबू हैं, इसलिए लोग लालची हो गए हैं, लोभी हो गए हैं, और उस लोभ के कारण व्यक्ति जो है संतुष्ट नहीं है, असंतुष्ट रहता है, और सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी, इतना सब कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी उसके मन के अंदर में प्रसन्नता आनंद नहीं है। आज हम देख सकते हैं लोगों के पास में सब कुछ है, धन है, दौलत है, कार है, बंगलो है, अनेकों प्रकार के भौतिक संसार के सुख हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर व्यक्ति की इंद्रियां उसके काबू में नहीं है, अगर उसका मन उसके काबू में नहीं है, उसके कंट्रोल में नहीं है, तो सब कुछ प्राप्त होने के पश्चात भी वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, वो व्यक्ति प्रसन्न नहीं है। यद लाभ रिच्छ संतुष्टः, भगवद गीता में भगवान सलाह देते हैं अपने कर्म के द्वारा, हमारी डेस्टिनी के द्वारा हमें जो प्राप्त होता है उसके द्वारा हमें संतुष्ट रहना चाहिए। तो ये बड़ी ही महत्वपूर्ण सलाह भगवान जो है अब बलि महाराज को दे रहे हैं कि नहीं, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे केवल 3 पग भूमि मात्र चाहिए। और आगे अब क्या इस कथा में चलेगा उसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।